Hello everyone, in this video we read about agriculture of class 8 geography chapter 4. And this topic we read uh, major crops and agricultural development. So let's start major crops. Major, the major crops are also explained in this chapter with their conditions for um, growing and so on. Agricultural development is given in detail over हियर विथ कंप्रेसन टू फॉर्म इन इंडिया एंड दैट ऑफ द यू एस ए दिस कंप्रेशन हेल्प्स टू यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द टॉपिक मेजर क्रॉप्स वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वैशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिस जो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और फसलें कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती है मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस वीट मेल्ट माइस पल्सेस आर ग्रेन्स शुगर कैन ऑयल सीड टी कॉफी हॉर्टीकल्चर क्रॉप्स आर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स एंड रबर फाइबर क्रॉप्स कॉटन जूट Are non-food crops and in this chapter major crops we read um, uh, rice, wheat, maize, mines, cotton, jute, coffee, and tea. So let's start. Rice. Rice, the staple diet of the tropical and subtropical regions. Need high temperature, high humidity, and rainfall growth based in alluvial clay soils. विच कैन रिटेन वाटर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस और आर चाइना फॉलोड बाई इंडिया जापान श्रीलंका एंड इजिप्त इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टू टू थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर जो राइस मींस चावल है ये पूरे विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और इसके लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीज़न और साथ ही हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इसके ग्रो के लिए बेस्ट माना जाता है साथ ही ओलोवियल क्ले सॉइल इसके ग्रो के लिए बेस्ट है और ये चा, चीन जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी है और इसके बाद क्रमशः भारत जापान श्रीलंका और मिस्र हैं अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक साल में दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं नेक्स्ट वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोविंग सीजन Bright sunshine at the time of harvest, three ways uh, based in well drained loamy soil grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. ग्रोन इन विंटर इन इंडिया जो विट मीन्स गेहूँ है ये इसके लिए मॉड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इसके इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके प्रोडक्शन के लिए साथ ही ये जो गेहूँ है ये जब बहुत ही सनशाइन ब्राइट सनसाइन सीज़न होता है तब उस टाइम में ये लगाया जाता है यानी सॉरी रेनफॉल रै, के सीज़न में ये लगाया जाता है और ब्राइट सनसाइन के टाइम में इसकी कटाई की जाती है और इसके लिए इ... जो वेल ड्रेन और लोमी सॉयल जो होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और गेहूँ जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, अर्जेंटीना रूस यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया और भारत में बहुत ही विस्तृत रूप में उगाया जाता है भारत में यह विंटर सीजन में उगाया जाता है माइल्स नो अस कोरेस ग्रेन कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall jowar bajra and ragi are grown in india also in nigeria china and niger, niger. जो माइल्स हैं ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जाती हैं ये ऐसी फसल हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम टेम्परेचर तथा पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिलती रहती है तो ये बहुत ही अच्छे से उगते हैं इसमें माइल्स में, में ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाते हैं और नाइजीरिया चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं नेक्स्ट माइस माइज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल एंड लॉड्स ऑफ सनसाइन नीड्स वेल ड्रेन फर्टिलाइजर सोयल्स ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका ब्राज़ील चाइना रशिया कैनाडा इंडिया एंड मैक्सिको माइन्स मींस होता है मक्का जो आज के टाइम में अभी बरसात का सीज़न चल रहा है आप अच्छे से देख सकते हो खेतों में बहुत सारे माइंस के माइंस के फसल लगे हुए हैं और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मध्यम टेम्परेचर वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है इसे सु अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है और म, जो माइंस है उत्तर उत्तरी अमेरिका ब्राज़ील चीन रूस कनाडा भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है Next cotton cotton requires high temperature, light rainfall two hundred ten frost free days and bright sunshine to grow uh, to grow grows based on black and alluvial soil. Leading producers of cotton are China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt, main raw materials for the cotton textile industries. कॉटन मीन्स कपास और इसकी वृद्धि इसके इसकी, इसकी प्रोडक्शन के लिए अच्छी पैदावार के लिए हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल की बहुत ज़रूरत होती है और सौ से दो सौ दस टू हंड्रेड टेन फ्रॉस्ट फ्री डेज में और ब्राइट सनसाइन में ये बहुत ही अच्छे से उगता है यह इसके लिए काली और जो, जो एलोवेल सॉइल है वो सर्वोत्तम माना जाता है चीन संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पाकिस्तान ब्राज़ील और मिस्र में मिस्र जो है कपास के अग्रणी उत्पादक हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्री हैं और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है जूट Jute now as the golden fiber grows well on alluvial soil requires high temperature heavy rainfall and humid climate grown in the tropical areas लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट आर इंडिया इन बांग्लादेश जो जूट है जिसको हम पटसन के नाम से भी जानते हैं इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और यह जो है अलोवेल सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और इसके लिए हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है यह फसल ट्रॉपिकल एरियाज़ में आ, उगाया जाता है भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं नेक्स्ट कॉफी कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनी सॉइल और स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील फॉलोड बाई कोलम्बिया एंड लिंडिया जो कॉफी है इसके लिए गर्म और आदर जलवायु और वेल ड्रेन लॉमी सॉयल हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड इसकी फसल की वृद्धि के लिए वृद्धि जो होती है वो पर्वतीय ढलान जो होते हैं वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके बाद कोलंबिया और भारत में इसका उत्पादन किया जाता है टी बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स स्टैंडर लीव्स नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉयल एंड जेंटल स्लोप्स केन्या इंडिया चाइना श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन वर्ल्ड जो चाय है ये बेवरेज क्रॉप है और जिसको प्लांटेशन प्लांटेशंस रिक्वाय मतलब बगानों में उगाए जाने वाला एक पेय पदार्थ है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए कूल कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है साथ ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल पूरे वर्ष भर इसके ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है इसके साथ ही जो लोमी सॉयल एंड जेंटल स्लॉप्स होते हैं वहाँ भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी पैदावार होती है इसकी पत्तियों को चुनने के लिए बहुत ही अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है साथ ही यह केन्या इंडिया चाइना श्रीलंका इसके प्रोडक्शन के लिए में यह इसका प्रोडक्शन बेस्ट क्वालिटी का पूरी दुनिया में होता है नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स सो फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द क्रॉप प्रोड्यूसर्स विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल रिसोर्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन असिस्टिंग इन द रिसर्च स्पेयर एम्प्लॉइंग लेटेस्ट techniques controlling pits, and fertilizing diversity all falls within the proving of agricultural development जो कृषि का विकास है यह बढ़ती संग, का संग, इसके जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इसके संबंध में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि का उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाला एक प्रयास है और यह कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे जो जिस क्षेत्र में फसल बोया गया है उसका विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई की सुविधा में सुधार करके जो पेस्टिसाइड्स हैं उर्वरक हैं और उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके कृषि जो कृषि है उसका मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का जो मेन फोकस है वो है फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन अ इंप्रूविंग इरीगेशनल फैकल्टीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज एल्ड एकर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज एल्ड हाई यूज हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज मशीनरी इन कल्टिवेशन द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर द फॉर द ग्रोविंग वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप वर्ल्ड ओवर द डेवलपमेंट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो मैंने अभी आपको बताया कि किन किन चीज़ों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो और किन बातों को ध्यान रखकर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं वही इन यहाँ इन, 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 इन पॉइंट में बताया गया है Agriculture development efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of the increasing population achieved in many ways, such as increasing the cropped areas in the number of crops grown, improving irrigation, faculties, use of fertilizers, and high yielding a variety of seed. Ultimate aim of agriculture development is to increase food security. Developing countries. विथ लार्ज डेवलप पॉपुलेशन प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सटेंस लार्जर होल्डिंग्स आर पॉपुलर फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं और उन सभी भागों में जो बहुत अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं जहाँ छोटी खेतों जुताई करके सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं